वेलकम टू बेबी होम फूड। मैं आज शेयर कर रही हूँ चना दाल बड़ा, जो कि बहुत टेस्टी है और बनाने में बहुत इजी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे बनाने के लिए दो छोटी कटी चना दाल लिया, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। इसे छान कर एक जार में डाल दिया है। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी, इसका दरदरा पेस्ट बनाना है। आइए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। एक बूंद भी पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा भी पानी यूज नहीं करना, इसे ऐसे ही ग्राइंड करना है। देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसमें एक कटोरी चना दाल मैंने साइड में पहले ही रख लिया था, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें अब 2 प्याज ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया था। 2 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें, जिसे मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया था। अगर आप इसके बदले आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अब इसमें 1/2 स्पून हल्दी ऐड करेंगे। मैं इसमें 1/2 स्पून नमक डाल रही हूँ, यह अपने टेस्ट के अनुसार लेना है आपको नमक। 1/2 स्पून इसमें जीरा डालेंगे, 2 चुटकी अजवाइन डालेंगे और 3 चुटकी मंगरेला डालेंगे, जिसे कलौंजी भी बोलते हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें 3 चुटकी के अलावा हींग डाल रही हूँ मैं इसमें। और 3 से 4 चम्मच मैं कटी हुई हरी धनिया पत्ता इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं अदरक और लहसुन नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। चने दाल में बाइंडिंग करने के लिए इसमें मैं 2 चम्मच मैदा मिला रही हूँ, आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर पाउडर भी मिला सकते हैं या चावल का आटा भी मिला सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप इसमें ऐड करें। मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया, अब इसे रेडी करते हैं। अब ये रेडी हो चुका है। सबसे पहले हाथों में तेल लगा लेंगे, फिर चने दाल को हाथ में लेकर गोल गोल जिस साइज का आपको बनाना है, बड़ा साइज बना सकते हैं या छोटा साइज भी बना सकते हैं। मैं यहाँ गोल शेप का बना रही हूँ, मीडियम साइज में बना रही हूँ। देखिए दोनों हाथों से प्रेस करते हुए मैं इसे गोल सेट कर रही हूँ। देखिए इस टाइप से टिकिया बना लेना है इसे। मैं देखिए अब यह रेडी हो चुका है, इसी तरह से रेडी करना है इसे। अब मैं इसे एक प्लेट में रख देती हूँ। बाकी चने दाल को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। ये मैंने सभी चने दाल का बड़े को रेडी कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। आइए इसे फ्राई करते हैं। पैन लेंगे और तेल गर्म करेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब उसमें बड़े को धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे। मीडियम लो फ्लेम में इसे पकाएंगे कि बड़े अच्छे से अंदर से पक जाए, इसलिए मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे करके इसे 1 मिनट के बाद पलट देंगे सभी को। अब इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब यह रेडी हो चुका है। अब इसे धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। अब मैं इसे एक प्लेट में धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ। देखिए मैंने सभी बड़े को निकाल लिया और इसी तरह से बाकी बचे भी सभी बड़े को फ्राई कर लेंगे। बाकी बचे बड़े भी फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए मैंने सभी बड़े को फ्राई कर लिया है। अब यह बिल्कुल रेडी है चने दाल की बड़े।
टेस्टी टेस्टी बने। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।